एंड यू कैन क्रिएट अ माइंड मैप. माइंड मैप पता है हमको क्या होता है? कितने लोगों को पता है माइंड मैप? आप जा करके गूगल पे स्टडी कर सकते हो. माइंड मैपिंग क्या है? हम ज्यादातर कैसे करते हैं ये सारे काम जो मैंने कहा, लिख लो. आप क्या करोगे, लिस्ट बनाने बैठ जाओगे. ज्यादातर हमको काम भी करना होता है कि अगले एक हफ्ते में मुझे ये करना है या कल मुझे ये करना है, हम लिस्ट बना रहे होते हैं. माइंड लिस्ट में नहीं सोचता है. माइंड कैसे सोचता है? लाइक ब्रांचेस ऑफ अ ट्री. एक ब्रांच यहां से निकलती है, एक यहां से निकलती है, एक यहां से निकलती है, ये उसकी सब ब्रांचेस होती है, फिर उसकी आगे ब्रांचेस होती है, उसकी आगे, उसकी आगे, उसकी आगे. इससे क्या होता है, वो काम जो करने में घंटों लगते हैं वो मिनटों में हो जाते हैं, मिनट्स में हो जाते हैं वो काम. अलग अलग लिस्ट नहीं बनानी ना, अलग अलग चीजों को याद करने की जरूरत नहीं है ना. हो सकता है आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए 3 मेन काम करने हो, इसकी भी तो सब ब्रांचेस होगी ना. इसको करने के लिए ये करना पड़ेगा, ये करना. तो आपने क्या किया, पहले ये 3 यहां पे लिखे. अब ज्यादा वहां पे राम कहानी मतलब कहानियां नहीं लिखनी है कि ये पूरा लंबे लंबे सेंटेंसेस ना, सिर्फ एक वर्ड. और इसको सुंदर सा बनाओ माइंड मैप को, मतलब कलर्स लेकर के एक शीट ले लो A4 साइज की, या अगर और बड़ा माइंड मैप बनाना है तो थोड़ी बड़ी. जब भी अपनी डायरेक्शन को चेंज करना है, अपने एक्शंस को चेंज करना है, पहले माइंड मैप को चेंज करो फिर एक्शंस को चेंज करो. आप कहोगे अच्छा ये 3 काम करने हैं, इन 3 को करने के लिए मुझे क्या करना होगा, अब ये करना होगा. फॉर एग्जांपल इन 3 में से ये वाला एक काम है, इसके लिए मुझे इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना पड़ेगा. दैट कुड बी ऑनलाइन ऑफलाइन व्हाटएवर इट इज. अच्छा इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए ये करना होगा, वो भी आपने आगे बना दिया. तो उसकी सब ब्रांचेस बनती चली जाती है. इसकी पूरी की पूरी एक टेक्निक है, उसको आप पढ़ सकते हो नेट पे जाकर के कि माइंड मैपिंग कैसे करते हैं. इट्स एन एक्सट्रीमली पावरफुल टूल. फिर चाहे आपका गोल कोई भी है, इनफैक्ट अपने सारे गोल्स को भी एक माइंड मैप पे आप क्लब कर सकते हो. जैसे एक गोल आपका क्या हो गया, करियर से रिलेटेड, एक हो गया हेल्थ से रिलेटेड, एक हो गया अपना कुछ सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड, जिसका हो सकता है आपके करियर से डायरेक्ट कनेक्शन ना हो, बट वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना. तो ये 3 आपके गोल्स हो गए. अब उनको अचीव करने के लिए क्या करना होगा, एक हो गया करियर से रिलेटेड, उसके लिए मुझे ये करना होगा, ये करना होगा, ये करना होगा. हेल्थ के लिए क्या करना होगा, ये करना होगा, ये करना होगा, ये करना होगा. और वो माइंड मैप जैसे ही आप पेपर पे बना लेते हो आपके दिमाग में छप जाता है. ये माइंड मैप की खास बात है, बनाते ही छप जाता है, फिर वो निकलता नहीं माइंड में. आप फिर धीरे धीरे आदत ऐसी बन जाएगी माइंड में भी, खट 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 खट, सब क्लियर होगा माइंड के अंदर. तो अगर उससे बाहर कोई आइडिया आता है, हो सकता है आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो, माइंड मैप ही आपका गलत है, वो मैप गलत है, तो अब क्या करना है, एक्शंस को चेंज करना है, अपनी डायरेक्शन को चेंज करना है, पहले मैप को चेंज करना है. अपने घर पे एक व्हाइट बोर्ड लगा सकते हो, उस पर अपना एक माइंड मैप बना सकते हो, एक बड़ा सा चार्ट पेपर लगा करके. कई बार ऐसा भी होगा शुरू शुरू में, स्पेशली वो तब ज्यादा होता है जब हम बिजनेस कर रहे होते हैं, डेली माइंड मैप पुराना जो है वो फटेगा, नया बनेगा. कुछ किया आपने, दिख रहा है कि नहीं ये हमने एक्सपेरिमेंट किया, फेल हो गया, कोई बात नहीं, अब इसको अलग तरीके से करते, अब ऐसे करते, अब ऐसे करते, अब उसके लिए ये करना होगा, उसके लिए ये करना होगा. जैसे जैसे वो चेंजेस हो रहे हैं तो अब आपके माइंड को क्लियर पता है कि मुझे ये करना है, तो पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है, यहां से माइंड में क्लैरिटी आ जाती है. सर आपने बोला कि एक माइंड मैप क्रिएट करो और अपने घर में व्हाइट बोर्ड लगाओ, हम किसी को अपना माइंड मैप क्यों बताएं, अपने तक क्यों ना सीक्रेट रखें? नहीं ये भी आइडिया अच्छा है, खुफिया रखो उसको. वही मतलब ये आपके अपने ऊपर है. घर में कोई आए वो हमारा व्हाइट बोर्ड देखेगा, पागल वागल हो गया, दिमाग खराब. आप अपना उस पर भी कर सकते हो, चार्ट पेपर बना करके रोल करके अंदर अंदर रख दो, वहाँ 2-4 तारे वाले लगा दो, पहले एक लॉकर बाद में दूसरा, कि वहां तक पहुंचने के लिए भी लोगों को अपना एक माइंड मैप बनाना पड़े. आपके माइंड मैप तक पहुंचने के लिए ऐसा भी आप चाहे तो कर सकते हैं. लॉक नहीं, बेसिकली जैसे आप बोलते हो कि काम ऐसा करो साइलेंस में, और अपनी जो आपकी सक्सेस होगी वही नॉइस करेगी. आप ठीक कह रहे हो, मैं बस वैसे मजाक कर रहा था. हाँ लेट्स गेट बिग हैंड फॉर हर. हाँ थैंक यू सो मच सर.